नमस्कार, मैं डॉक्टर बाला साहेब भोसले, एम ए एम फिल पी एच डी हूँ, विषय हिंदी, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज रामन नगर पुरी। विभक्ति सत्र 5, प्रश्न पत्र क्रमांक 8। आज विभक्ति 3 के पंचम सत्र के जो अभ्यासक्रम है उसके बारे में आप देखने वाले हैं। इस पेपर का नाम जो है काव्य शास्त्र है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत इस पंचम सत्र के लिए 4 इकाइयां हैं। पहली इकाई काव्य तथा साहित्य का स्वरूप, तत्व और प्रयोजन है। इस काव्यशास्त्र के अंतर्गत काव्य के स्वरूप के बारे में जिस समय देखते हैं तो उसी समय काव्य शब्द के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे काव्यशास्त्र को काव्यालोचन, काव्य मीमांसा, साहित्य शास्त्र तथा साहित्य सिद्धांत आदि। यहाँ काव्यशास्त्र किसे कहा जाता है तो काव्य का नियमन करने वाले जो शास्त्र है उसे काव्यशास्त्र कहा जाता है। काव्यशास्त्र का अध्ययन करने की जो सुविधा है अथवा आप सबको अध्ययन करने के लिए सुविधा प्राप्त हो, इसलिए काव्यशास्त्र के 2 भाग किए हैं। एक भारतीय काव्यशास्त्र और दूसरा पाश्चात्य काव्यशास्त्र। यहाँ काव्यशास्त्र का आरंभ कब हुआ अथवा किस ग्रंथ के माध्यम से हुआ अथवा किस आचार्य ने आरंभ किया, इसके बारे में जब देखते हैं तो सबसे पहले भारतीय काव्यशास्त्र का प्रारंभ भरत मुनि के नाट्यशास्त्र इस ग्रंथ से माना जाता है। यहां भरत मुनि ही क्यों, तो भरत मुनि से पहले अनेक आचार्य अथवा काव्यशास्त्री हो चुके हैं अथवा अनेक काव्यशास्त्रियों ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, परंतु भरत मुनि का नाट्यशास्त्र यही ग्रंथ उपलब्ध होता है, अन्य किसी भी विद्वानों के ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते। इसीलिए भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का नाम काव्यशास्त्र के अंतर्गत सबसे पहला आ जाता है। इसीलिए साहित्य शास्त्र की स्थापना का श्रेय भरत मुनि को चला जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कह दिया है, काव्य शब्द का वही अर्थ है जो साहित्य शब्द का वास्तविक अर्थ है, अर्थात काव्य तथा साहित्य जो है वह दोनों एक ही है। यहां प्राचीन काल में पद्य के लिए काव्य कहा जाता था और आज जो काव्य के लिए ही वो गद्य हो या पद्य हो उसे साहित्य शब्द दिया जाता है या साहित्य शब्द कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में काव्य के लिए उमांग शब्द का प्रयोग किया है, परंतु डॉक्टर गुलाब राय जी जो है, डॉक्टर बाबू गुलाब राय जी ने साहित्य शब्द का जो साहित्य शब्द के बारे में जिस समय कहा है तो साहित्य शब्द अपने व्यापक अर्थ में सारे वांग्मय का द्योतक है। अर्थात वांग्मय यह सिर्फ मराठी, हिंदी अथवा अंग्रेजी का साहित्य ही वांग्मय के रूप में नहीं आता, तो इस संसार में जो जो लिखा हुआ है वही साहित्य शब्द के अंतर्गत या वांग्मय के अंतर्गत आता है। कहा जाता है कि काव्य शब्द का निर्माण कैसे हुआ, तो काव्य शब्द का निर्माण कवि शब्द से माना जाता है अथवा काव्य शब्द कवि से प्रचलित माना जाता है। आगे जो काव्य शब्द कहां से आया, तो काव्य शब्द अंग्रेजी शब्द पोएट्री का अनुवाद माना जाता है। आगे साहित्य शब्द जो है वो साहित्य शब्द अंग्रेजी लेटर शब्द से बना हुआ है और फिर
यह लिटरेचर के रूप में अपने साहित्य में अथवा अध्ययन के अंतर्गत प्रचलित माना जाता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य अथवा साहित्य शब्द का जो अर्थ माना गया है, साहित्यस्य भाव इति साहित्यम्, अर्थात साहित्य का अर्थ जो है वो सहभाव अर्थात साथ रहना, शब्द के साथ उसका अर्थ अगर रहता है तो उसे यहां उन दोनों का जो सहभाव है वह माना जाता है, शब्द और अर्थ का साहित्य में सहभाव माना जाता है। साहित्य काव्य जो है वो काव्य शास्त्र में काव्य और साहित्य एक दूसरे के समानार्थी कहा है, इसका मतलब पहले ही बता दिया है कि इस काव्य और साहित्य का जो दोनों का अर्थ एक ही है। काव्य का स्पष्ट स्वरूप जो है स्पष्ट करते समय अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टि से उस स्वरूप के स्वरूप को साहित्य शास्त्र के स्वरूप को परिभाषा में बांधने का प्रयास किया, परंतु प्रत्येक विद्वान का मत जो है वह अलग अलग है और अलग अलग होने के कारण उनकी मानसिकता, उनकी मनोवैज्ञानिकता अथवा सोचने का ढंग, उनका दृष्टिकोण, प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग होने के कारण साहित्य के स्वरूप को परिभाषा में बांधा नहीं जाता। इसका मतलब उस स्वरूप को, साहित्य के स्वरूप को बांधने के लिए अथवा साहित्य के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए उनकी सीमा से बाहर माना जाता है। काव्य शब्द का जो प्रचलन है सिर्फ अपने भारत में ही नहीं तो इस संसार के प्रत्येक देश में काव्य या शब्द अथवा काव्य है ही, और इसलिए काव्य जो है वो काव्य मानव को निराशा से आनंद की ओर लेने का काम करता है। उदाहरण मान लीजिए अर्थात जैसे कि आप सुबह से संध्या तक ने अलग अलग स्थानों पर आप अपना काम करते समय काम में व्यस्त होने के बाद जब बोझिल बन जाते हैं अथवा संध्या के समय अपनी थकावट को दूर करने के लिए आप काव्य इसका मतलब फिल्म अथवा अन्य जो साधनों का उपयोग करते हैं जिससे आपका मनोरंजन हो, तो इसलिए आनंद तो निर्माण होता है, आनंद प्राप्त होता है, साथ ही साथ आदमी को जीने की एक नई दिशा देने का काम साहित्य कर सकता है, काव्य कर सकता है। जब जब आप काव्य पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, तो साहित्य पढ़ते समय अथवा साहित्य पढ़ने के पश्चात उनमें जो विचार है अथवा जो भाव है वही भाव या विचार व्यक्ति को उदात्त बनाते हैं, उदार बनाते हैं, अर्थात अपना जो दृष्टिकोण है व्यापक एवं उदात्त बनाने का काम साहित्य कर सकता है। साथ ही साथ दूसरी बात यहाँ पर स्पष्ट होती है कि व्यक्ति के बुद्धि और हृदय का समन्वय करने का काम भी कौन करता है, तो साहित्य कर सकता है। साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम की इन तीनों की प्रतिष्ठा करने का काम यहाँ करता रहता है। यहाँ साहित्य के माध्यम से विश्वव्यापी एकता की भावना का विकास यह माना जाता है। इस प्रकार मानव के बाह्य और आंतरिक जगत का जो वर्णन है वह काव्य के माध्यम से अथवा साहित्य के माध्यम से स्पष्ट होता रहता है। यहाँ साहित्य की के जो काव्य लक्षण है अथवा साहित्य के जो साहित्य का जो स्वरूप है वो स्पष्ट करते समय इसमें यहाँ संस्कृत आचार्य, हिंदी के आचार्य और पाश्चात्य आचार्य इस प्रकार तीन भागों में विभाजित कर दिया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर संस्कृत आचार्यों ने जो काव्य की परिभाषा बनाई है अथवा काव्य परिभाषा के माध्यम से स्वरूप स्पष्ट करने का प्रयास किया है उसके बारे में आप सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर जिस समय काव्य शास्त्र का स्वरूप लक्षणों के माध्यम से स्पष्ट होता है तो उसी समय काव्य शास्त्र के अंतर्गत सबसे पहले आचार्य भरत मुनि आते हैं। आचार्य भरत मुनि यह संस्कृत के
आचार्य हैं। यहां उन्होंने सबसे पहले एक नाट्य शास्त्र ग्रंथ लिखा और नाट्य शास्त्र इस ग्रंथ के अंतर्गत उन्होंने काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे उन्होंने कह दिया है कि मृदु ललित पदार्थ गुड़ शब्दात हीनम जनपद सुख बोध्यम युक्ति मन रत्योजम बहुकृत दस मार्ग संधि संधान युक्तम सभवती शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षदानम। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र इस ग्रंथ के अंतर्गत जो चार पंक्तियों में पांच छह बातों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे काव्य कैसा होना चाहिए, काव्य मृदु होना चाहिए, काव्य ललित पदों से युक्त होना चाहिए, काव्य गूढ़ शब्दार्थ से रहित तो होना चाहिए, अर्थात साहित्य का अर्थ प्रकट होना चाहिए। जनपद सुख बोध्यम, इसका मतलब यहां जनता को सुख देने वाला, जनता को उसका कुछ बोध हो, इसी प्रकार का साहित्य होना चाहिए। युक्ति मन रत्योजम, अर्थात नृत्य में प्रयुक्त किए जाने योग्य साहित्य होना चाहिए। जैसे यहां गीत गायन हो या गीत मान लीजिए, तो उसके पश्चात साहित्य में विविध रसों का प्रयोग होना चाहिए, यानी किसी भी साहित्य में किसी भी विधा में एक रस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अनेक रसों का प्रयोग साहित्य में होना चाहिए और वह अनेक संधियों का प्रयोग भी साहित्य में होने की आवश्यकता है। यह जो छह लक्षण है अथवा छह बातें जो है वह जिस साहित्य में है तो ऐसा काव्य यहाँ प्रेक्षकों को पसंद आता है, प्रेक्षकों को आनंद देता है, यह इसके माध्यम से स्पष्ट होता है। जो आचार्य भरत मुनि ने जो यह परिभाषा अथवा अपना काव्य लक्षण अथवा काव्य का स्वरूप स्पष्ट करने का प्रयास किया है, यह काव्य विवेचन अत्यंत व्यापक माना जाता है। उसके पश्चात दूसरे आचार्य जो है वह आचार्य भामह है। तो भामह यह काव्यालंकार के, भामह जी ने काव्यालंकार यह ग्रंथ लिखा है। यह आचार्य भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। उन्होंने दो बातें अपनी परिभाषा के अंतर्गत स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उन्होंने कह दिया है शब्दार्थ सहित काव्यम, ने दो बात शब्दार्थ सहित काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का समन्वय ही काव्य है। ने किसी भी काव्य में अथवा किसी भी साहित्य में जो शब्द है, शब्द का अर्थ होना ही चाहिए। जैसे आप देख लीजिए अपना मानव शरीर है, मानव शरीर के अंतर्गत दो बातें हैं, एक आत्मा और शरीर। अगर आपके शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो आपका शरीर क्या है, त्याज्य है। इसका मतलब शरीर का कोई उपयोग नहीं है, अर्थात आत्मा के कारण शरीर को और शरीर के कारण आत्मा को महत्व है। उसी प्रकार आचार्य भामह ने जो परिभाषा बनाई है अथवा काव्य का स्वरूप जो स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने शब्द और अर्थ को महत्व दिया है। यहाँ आचार्य भामह की परिभाषा व्यापक मानी जाती है। तीसरे आचार्य आचार्य विश्वनाथ है, आचार्य विश्वनाथ है। तो आचार्य विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण, इस उनका ग्रंथ साहित्य दर्पण है। तो साहित्य दर्पण इस ग्रंथ के अंतर्गत वाक्यम रसात्मकम काव्यम कह दिया है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रसयुक्त काव्य ही, रसयुक्त यहां वाक्य ही काव्य है। वाक्य में रस का होना, मनोरंजन का होना आवश्यक है। तो इस प्रकार यह आचार्य विश्वनाथ जी ने अपनी परिभाषा बनाई है। उसके पश्चात आचार्य रुद्रट है, आचार्य रुद्रट, आचार्य रुद्रट जी ने अपने अपने जो ग्रंथ है काव्यालंकार है, उस काव्यालंकार इस ग्रंथ के अंतर्गत
उन्होंने ननु शब्दार्थ काव्यम, ननु शब्दार्थ काव्यम इसका मतलब यहाँ शब्द और अर्थ को ही महत्व दिया है, नहीं जैसे ब्राह्मण ने शब्द और अर्थ को महत्व दिया है उसी प्रकार आचार्य रुद्र जी ने शब्द और अर्थ को महत्व दिया है, परंतु इसमें एक अतिव्याप्ति दोष है इसीलिए यहाँ उन्हें स्वीकार्य नहीं है। उसके पश्चात संस्कृत आचार्य जो है आचार्य राजशेखर है, ने राजशेखर जी का जो ग्रंथ है काव्य मीमांसा ग्रंथ में उन्होंने साहित्य शब्द का प्रयोग जो है अथवा साहित्य शब्द का स्वरूप है वह स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उन्होंने कह दिया है शब्दार्थयो यतावत सहभावेन विधा साहित्य विधा, अर्थात शब्द और अर्थ की यथायोग्य संगति अगर हो, इसका मतलब जैसा शब्द है उसका अर्थ वही हो अथवा स्पष्ट हो तो उसी समय वह काव्य हो सकता है। इसमें भी उन्होंने अतिव्याप्ति दोष जो है अतिव्याप्ति दोष माना है। उसके साथ ही साथ अगले आचार्य मम्मट हैं। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाशित ग्रंथ के अंतर्गत कविता का लक्षण व्यक्त करने का प्रयास किया है। उन्होंने कह दिया है तद दोषो शब्दार्थो सगुना वनलंकृति पुनः क्वापि, यहाँ काव्य कैसा होना चाहिए तो उन्होंने कह दिया है तद दोषो दोष रहित गुण सहित और अलंकार युक्त, तीन बातें उसके अंतर्गत बताई है, दोष रहित होना, काव्य दोष रहित होना चाहिए, उसमें गुणों का होना आवश्यक है अथवा अलंकरण का प्रयोग भी काव्य के अंतर्गत अगर हो तो वह काव्य हो सकता है। इस प्रकार आचार्य मम्मट ने अपनी परिभाषा यहाँ व्यक्त करने का प्रयास किया है, परंतु यह परिभाषा भी अस्पष्ट मानी जाती है। जो अंतिम आचार्य काव्य संस्कृत के पंडितराज जगन्नाथ है, यहाँ संस्कृत के अंतिम आचार्य पंडितराज जगन्नाथ जी ने अपनी परिभाषा अथवा स्वरूप स्पष्ट करते समय कह दिया है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्, ने रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला अथवा रमणीय अर्थ को प्रकट करने वाला सुंदर अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द ही काव्य माना जाता है। तो इस प्रकार यहाँ संस्कृत आचार्यों ने अपने काव्य लक्षण अपनी परिभाषा के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है जो काव्य स्वरूप के अंतर्गत आता है। धन्यवाद।